hello students welcome back to my channel savita english classes in this video we will do one more topic on grammar that is determiners and it is very important topic this topic contains so many topics from other other parts so let's start this topic determiners वट इज डेटरमिन वट इज द मीनिंग ऑफ डेटरमाइन 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 मीन्स टू डिसाइड और डेटरमाइनर मीन्स डिसाइडर जो डिसाइड करने वाला अब इसका मीनिंग है डिसाइड करने वाला निर्णय करने वाला अब आपको मैं ये कहूँ कि दिस मार्कर दिसमार्कर यहाँ पे मार्कर और दिस में कौन सा वर्ड है जो ये निश्चित करता है ये डिटरमाइन करता है ये डिसाइड करता है कि ये मार्कर है दिस तो इस तरह से जो वर्ड और ये हमारी क्या है नाउन तो नाउन के साथ में आगे जो वर्ड्स लगते हैं वो हमारे डिटरमाइंस होते हैं अब डिटरमाइन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ए डिटरमाइन इज यूज़ बिफोर नाउन्स कहाँ यूज होता है ये ये हमारी नाउन है किसके बिफोर यूज़ हुआ किस से पहले यूज़ हुआ नाउन से पहले मैंने यहाँ लिखा बिफोर नाउन्स टू फिक्स और डिफाइन देयर मीनिंग इसका मीनिंग डिफाइन करने के लिए इसको निश्चित करने के लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए टू डिटरमाइन

डेमोन्स्ट्रेटिव अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिव हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या क्या आता है दिस दैट दिज दिस दैट दिज दो ये हमारे किस में आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में तो जो चीज़ डेमोस्ट्रेट करती है अब देखो ये एडजेक्टिव है ये आर्टिकल है फिर भी ये किसका पार्ट है डेटरमिनर्स का क्योंकि ये पार्ट जो हैं किसी चीज़ को निश्चित करते हैं अब क्या है पॉजसिव पॉजसिव क्या है हमारे पॉजसिव भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं आपको ध्यान हो तो हमने नाउन की टेबल की थी नाउन की कह रही हूँ प्रोनाउन की टेबल की थी अब आए माए मी वी और एस ही इस तरह से जो ये बीच वाला पार्ट है ही सी इट दे अब यहाँ क्या बन जाएगा हीज हर तो हमारे ये कौन से पॉजिशिव एडजेक्टिव्स हैं जो डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं अब आई से क्या बना है माए आर यू आर इट्स। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं जो डिटर्मिन की कैटेगरी में आते हैं नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव अब डिस्ट्रीब्यूटिव भी एडजेक्टिव्स हैं मींस आप ये देखो ध्यान से देखो मैं ये बता रही हूँ आपको बुक में मिल जाएगा आर्टिकल्स हैं डेमोस्ट्रेटिव हैं पोजेसिव हैं डिस्ट्रीब्यूटिव हैं अब हमने आर्टिक एडजेक्टिव को बहुत अच्छे से किया है चार से पांच वीडियो आपको एडजेक्टिव्स के ऊपर मैंने दी हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर तो एडजेक्टिव हमने उनकी टाइप्स भी की हैं टाइप्स में था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो वहाँ से उठा के उस पार्ट को हमने डिटर्मिनर्स का पार्ट बना दिया है ये एडजेक्टिव साथ में मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे आपको टॉपिक में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये पॉजिटिव भी वही हैं पॉजिटिव एबजेक्टिव्स भी वही थे तो ये अलग नहीं हैं ये वही हैं इनको ही हम पॉजिटिव एबजेक्टिव को ही हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये इस चीज़ को निश्चित करते हैं डिटरमाइन करते हैं डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से हैं हमारे ईच एवरी Either, neither. Okay. नेक्स्ट numerals. Numerals में हमारे वन वन टू थ्री अब मैं आपको कहूं टू मार्कर्स, ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर टू मार्कर अब टू मार्कर में टू क्या कर रहा है टू भी डेमोस्ट्रेट कर रहा है उसके नंबर को डिसाइड कर रहा है तो नंबर्स जो हैं जो नंबर बताएंगे संख्या बताएंगे वो भी हमारे क्या होंगे डिटर्मिनर्स होंगे अब ये हैं जो हमारे क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स को ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी थे वही हमारे क्वांटिफायर्स हैं और वो कौन कौन से हैं हमारे फ्यू है लिटल Some, any, etc. These are the types of a determiners. Now, all these types we will explain one by one, all we will explain one by one for the explanation of this topic. Our first part of determiners is articles how many types of articles indefinite and definite articles as you know a and n comes in the category of indefinite article and the comes in the category of a definite article one more thing i want to discuss with you i want to share with you one video on articles with detailed description we have already made and you have already watched if you didn't watch this video on articles, that is specially on articles. uses in detailed description and with omission, I have already given. Link of this video articles I will give in determiners also. If you didn't watch up to now, you watch that. A and N. A. Some common uses I will discuss here. ए मीन्स किसको दिखाता है सिंगल वन को एन भी किसको दिखाएगा एक को इट मींस ये हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं किसी एक चीज को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं अब कोई ऐसी नाउन जिसको हम फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं नाउन मेंशन फर्स्ट टाइम अगर किसी भी नाउन को हम फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं तो हम ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं वो ए और एन में वो हम अकॉर्डिंग टू साउंड डिसाइड करते हैं कि ये हमारी कौन सी साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वोवल साउंड है नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी किसी चीज़ की मात्रा मात्रा को दर्शाने के लिए कि भाई एक है ये कितने है नंबर क्या है एक क्वांटिटी को दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं ए और A? एन सी ए कप ऑफ टी अब कितने कप हैं अ कप ऑफ टी तो ये क्वांटिटी भी दर्शाता है ये मात्रा भी दर्शाता है यूनिट ऑफ प्राइस अ किलो स्पीड और रेशो को भी शो करता है सर्टेन नंबर्स मीन्स कोई निश्चित संख्या हो अ मिलियन पीपल अ मिलियन पीपल इस तरह से अगर सर्टेन कोई निश्चित नंबर है तो उसको भी दर्शाता है फ्रीक्वेंसी कोई चीज बार बार आती हो टॉय से डे अब ये किसको दर्शा रहे हैं यहां से एक दिन में दो बार फ्रीक्वेंसी को भी दर्शाता है एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस को भी दर्शाता है वट ए ब्यूटिफुल ड्रेस वट अ ब्यूटिफुल ड्रेस मैंने यूज़ uh, किया है तो एक्सक्लमिट्री जहाँ होती है एक्सप्रेशंस वहाँ भी हमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं हम वन मोर थिंग अब हमारे टू आर टू हैं यहाँ पे ए और एन ये चीज़ें तो जो थी मैंने यहाँ तक जो कॉमन डिस्कस की ए और एन दोनों के लिए बट ये ए और एन दोनों के लिए कैसे हैं ये हम कैसे डिसाइड करेंगे ओनली साउंड से अब जो ये दोनों क्या हैं काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं ए और एन दोनों ही काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं और दोनों ही सिंगुलर के साथ भी यूज होते हैं दोनों ही सिंगुलर भी हैं और दोनों ही काउंटेबल भी हैं वन मोर थिंग जो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो है कॉन्सोनेंट साउंड अब ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स को लेगा सिर्फ हमारी और जो वो एन है वो हमारी वोवल साउंड्स को लेगा अब हमारे वॉवल्स हैं ए आई ओ यू अब आपको ये नहीं करना है कि वोवल देखा आपने आगे और आर्टिकल लगा दिया एन नो no, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपको वहाँ पे उसकी साउंड जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साउंड क्रिएट हो रही है आ ई ई उ ए ओ यहाँ तक जो ये साउंड अगर हमारी प्रोनंसिएशन में आती हैं किसी भी वर्ड की तो हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे और यहाँ मैंने इसको बहुत ही मीन्स एक लिमिटेड मटेरियल आपसे डिस्कस किया है एक पार्ट के रूप में डिटर्मिनर्स के पार्ट के रूप में बट इसका एक नियर बाई वन आर वीडियो मैंने आर्टिकल्स के ऊपर बनाई है वहां पे आपको इन दोनों डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों का बहुत ही अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन मिशन के साथ है वो आप जरूर देखें नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल का जो सबसे फॉरमोस्ट यूज है वो है दैट वन टू पर्टिकुलराइज दैट थिंग किसी चीज को पर्टिकुलराइज करना चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो मीन्स किसी चीज को विशेष बनाना मीन्स किसी चीज को उसी को करना भाई हम कहते हैं कि गिव मी द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल वो बुक मुझे दो गिव मी द बुक अब मैं वैसे कहूं गिव मी अ बुक तो मैं ए बुक कहूंगी नॉर्मली मैं कहूंगी और मैं ये कह रही हूं कि मुझे वही बुक दो जो टेबल के ऊपर रखी है गिव मी द बुक लाइंग ऑन द टेबल तो हमने उस बुक को पर्टिकुलराइज कर दिया हमें किसी इधर उधर से किसी दूसरी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है ओनली वी नीड दैट बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल तो ऐसे किसी चीज को जब हम पर्टिकुलराइज करते हैं तो वहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं और बहुत सारे जो यूजेज हैं सी के नेम के आगे ओशियन हो कोई गल्फ़ हो रिवर हो बे हो कैनाल हो कोई स्केड बुक हो गीता रामायण और कोई भी न्यूज़पेपर नेम है कोई मैगजीन नेम है और इस तरह से बहुत सारे और भी आइटम्स हैं जहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेटर्मिन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव अब क्या है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव जो है हमारे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव के पार्ट में हमने किया था डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिव वो सेम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हमारे डेटरमिनर्स हैं इनको ही हम डेटरमिनर्स कहते हैं अब हैं कौन कौन से दिस दो बिफोर ए नाउन हमने देखा था कि इनको हम किसके साथ यूज़ करते हैं नाउन से पहले यूज़ करते हैं नाउन से पहले यूज़ क्यों करते हैं क्योंकि ये उस चीज़ की विशेषता बताते हैं और यहाँ हम जब इनको डिटरमाइन बोल रहे हैं इट मीन्स ये उनकी पोजीशन, उनकी उनकी आइडेंटिफिकेशन उनको इंडिकेट कर रहे हैं डिटरमाइन इज पोजिशन दिस दिस दी स्वीट्स स्वीट्स आर ए फ तो ये स्वीट्स जो है वो कैसी हैं फ्रेश हैं दिज स्वीट आर ए फ्रेश दिस स्कूल दिस स्कूल इज फेमस फॉर इट्स ए डिसिप्लिन तो यहाँ पे हमारा दिस क्या है डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है दिज क्या है हमारा डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है और यही डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव ही हमारे डिटर्मिनर्स हैं नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव वट इज़ पॉजिटिव पॉजिटिव एड्जेक्टिव और पॉजिटिव एड्जेक्टिवस में हमने किस किस को किया था क्या किया था आपको ध्यान होगा अभी हमने एडजेक्टिव को किया है माए आई से क्या बना सेम जो अगर वो टेबल आपको ध्यान हो जो हमने क्रिएट की थी प्रोनाउन की टेबल हमने पूरी क्रिएट की थी आपके लिए एक बार फिर से बना देती हूँ आई

डेम तो ये हमारी जो फर्स्ट रो होती है ये क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव जो नॉमिनेटिव केस है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्टिव केस है जो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है बट जो बीच में जो लाइन रहती है ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं ये जो लाइन है दिस वन इंडिकेट्स पॉजिटिव एडजेक्टिवस तो यहाँ जो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे वो क्या है माई माई आर His, क्या मैं यही लिख रही हूं सेम हर यू छोड़ दिया हमने यू को और बना लेते हैं यू यूवर यू तो ये यूर और हमारा देयर अब पोजिशिव एब्जेक्टिव क्या हैं दीज आर यूज टू इंडिकेट पोजेशन अधिकार दर्शाते हैं उसके ऊपर क्या है माइजस्टर ये मेरा जस्टर है माए किसके साथ लगा जो माए है प्लस नाउन इट मीन्स हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्लस अगर नाउन है तो वो हमारा क्या है डिटर्मिनस है हिज बाइक इज़ वेरी एक्सपेंसिव हिज बाइक अब बाइक के साथ क्या है हिज बाइक किसकी बाइक है किसका पोजेशन दिखा रहा है किसकी बिलोंगिंग दिखा रहा है संबंध किसके साथ है बाइक का संबंध है बाइक को एक्सप्लेन कर रहा है और ये जो है आगे जो इंडिकेट किया हमने इससे इसका पोजेशन इंडिकेट होता है बिलोंगिंग इंडिकेट होती है तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और यही हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है हमारा डिटर्मिनर है सो so, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जो ये मिड में सेंटर में जो लाइन होती है प्रोनाउन की यही हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं तो इनका बहुत ही सिंपल यूज़ है कि ये मीन्स माय मार्कर माय जस्टर माय वाइट बोर्ड तो मेरा संबंध इन चीज़ों से मैं दिखा रही हूँ यूअर बोर्ड योर मार्कर हिज मार्कर हर मार्कर तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं पोजेशन दिखाती हैं और इस प्रकार हमें इनकी बिलोंगिंग का पता लगता है नेक्स्ट पार्ट इज़ इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं जो हमारे डिटरमा डिटर्मिनर्स का काम करते हैं वो हमारे डब्ल्यू एच वर्ड से जो वर्ड्स बनते हैं मोस्टली डब्ल्यू एच वर्ड्स सच एज वट ज विच एक्सेट्रा आर यूज बिफोर ए नाउन अब एग्जाम्पल हम देखते हैं हुज नेम हैज़ बीन कोल्ड आउट हुज नेम अभी नेम हमारा क्या है बेटे नाउन है अगर नाउन से पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन अगर हम यूज़ करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन तो वो क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा अब ये इंटेरोगेटिव वर्ड तो है हुज है ये इंटेरोगेटिव है अगर प्लस में नाउन भी है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ही डिटरमिनर्स का काम करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिटरमिनर क्या है हुज विथ शॉप शुड वी गो इन विथ शॉप कौन सी शॉप अब ये नाउन है हमारा और ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है अगर अकेला डब्ल्यू एच वर्ड हो तो क्या होगा ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास ये हमने बहुत अच्छे से किया है पहले अब सारी जो भी वीडियोस मैंने आपको दी हैं बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई है अगर हम हमारे पास ये नाउन नहीं है साथ और हु और विच है और इससे हमारा सेंटेंस बना हुआ है तो हमारा हुज़ और विच जो है वो क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कि वो क्या होगा अगर वो अकेले यूज़ किए जाए नाउन के साथ मैं यहाँ बता रही हूँ आपको नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे और अकेले यूज़ करेंगे तो क्या होगा ये क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि ये चीज़ हम बहुत पहले डिटेल से कर चुके हैं नेक्स्ट वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे कौन से हैं ईच एवरी ईदर नीदर आइदर नाइदर आर यूज बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट सच वन ऑफ द ईच वन ऑफ द नाउन इट मींस ये जो हैं हमारे ग्रुप में से ए हर एक को इंडिकेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज हमें करते हैं तो यहाँ पे है ये कि ईच स्टूडेंट वॉज पनिस्ड बाई द टीचर ईच स्टूडेंट वॉज पनिश्ड मीन्स हर एक बच्चे को पनिशमेंट मिली मीन्स सभी को पनिशमेंट दी गई एक एक करके तो इस तरह से जो ईच है यहाँ पे वो किसको डेमोस्ट्रेट करता है किसको दर्शाता है किसको इंडिकेट करता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है नेक्स्ट वन है हमारे नूमरल्स हमारे नूम्रल्स भी हमारे डिटर्मिनल्स में आते हैं वन टू थ्री फोर फाइव मिस जब हम किसी की नंबरिंग बताते हैं तो वो भी हमारे कार्डिनल ओरिजिनल नंबर्स वो हमारे किस में आते हैं डिटर्मिनर्स में आते हैं तो सी हैज़ टू डोटर्स यहाँ पे टू डोटर्स मैंने लिखा भाई कितनी डोटर्स टू डोटर्स वन डोटर तो ये जो है ये नंबर है और ये नंबर है तो ये किसको डिटरमाइन कर रहा है ये हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी हमारे डिटरमिनर्स को इंडिकेट करते हैं नेक्स्ट वन इज़ क्वान्टिफायर्स क्वान्टिफायर्स क्या हैं अभी अभी क्वांटिफायर्स जो हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वान्टिटी हैं सेम उन्हीं को हम क्वान्टिफायर्स कहते हैं अब क्वांटिफायर्स मीन्स क्वांटिटी क्वांटिटी मीन्स मात्रा किसी भी चीज़ की मात्रा मात्रा वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है कुछ क्वान्टिफायर्स जो हैं वो काउंटेबल को दिखाएंगे कुछ जो है वो अनकाउंटेबल को शो करेंगे अब सबसे पहले हम एक वर्ड लेते हैं जो एक क्वांटिफायर है फ्यू जो काउंटेबल को शो करता है अनकाउंटेबल को जो शो करेगा वो है हमारा लिटल और जो काउंटेबल को शो करेगा वो है हमारा फ्यू जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अब फ्यू है इट मीनस अगर हमारी नाउन काउंटेबल है तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे क्वान्टिफायर का अब और इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है ये हमेशा प्लूरल और काउंटेबल नाउन अपने साथ लेता है इट मीन्स प्लूरल भी होनी चाहिए और काउंटेबल भी होनी चाहिए तभी हम फ्यू का यूज़ करेंगे अब फ्यू का हम थ्री वेज में यूज़ करते हैं एक तो सिंगल ओनली फ्यू को हम लिखते हैं एक अ फ्यू लिखते हैं और एक द फ्यू लिखते हैं अब अ फ्यू मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू को लेते हैं फ्यू मीन्स जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हार्डली मीन्स वहाँ पे अवेलेबल है उसकी जो क्वांटिटी है वो हार्डली अवेलेबल है मींस ना के बराबर है वहाँ जो फ्यू की अगर मात्रा है इट मींस वो चीज़ वहाँ है ही नहीं आप ऐसे समझ लो एक नेगेटिव रिस्पांस को बताने के लिए हम क्या कहेंगे फ्यू कहेंगे ए फ्यू को हम कहाँ यूज़ करेंगे कि पॉजिटिव सेंस को दर्शाने के लिए कि हाँ उस जिस भी प्रोडक्ट के बारे में थिंक के बारे में हम बात कर रहे हैं इट मीन्स उसकी जो मात्रा है वो अवेलेबल है पॉजिटिव सेंस में हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे और द फ्यू है उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ऑल ऑफ दैम मीन्स मोस्टली जो है इट मीन्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मान लो कोई भी हंड्रेड परसेंट कोई भी चीज़ कोई भी मटेरियल है मान लो नंबर है किसी भी चीज़ का आपके पास तो वो यहाँ पे हार्डली मीन्स मुश्किल से एक भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप फ्यू कह रहे हो तो मान लो मैं नंबर ऑफ मार्कर्स की बात करूँ फ्यू मार्कर्स की बात करूँ तो वहाँ पे मीन्स एक भी मार्कर आपको नहीं मिलेगा और पॉजिटिव की बात करूं तो एटलीस्ट यहां पे आपको 25 फाइव मार्कर्स मिलेंगे कि हाँ जो नंबर है वो अवेलेबल है आप पॉजिटिव सेंस में और यहाँ पे अगर डेफ्यू की आप बात कर रहे हो तो वो आप मीन्स 75 फाइव अबो नियर बाई मार्कर्स की बात कर रहे हो आउट ऑफ ए हंड्रेड में से आप ये चीज़ें काउंट कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे हम फ्यू को अगर हम यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स हमारा जो इंटेंशन है देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु सबमिट देर असाइनमेंट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स फ्यू स्टूडेंट्स मीन्स अगर हमारे क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और फ्यू स्टूडेंट्स ने अगर असाइनमेंट सबमिट करवाया है इट मीन्स या तो उसका मतलब है नो वन और वन या तो मीन्स बस ओनली सबमिशन की शुरुआत हुई है या फिर हुआ ही नहीं है टोटली नेगेटिव आई सेल रिटर्न यूर बुक इन अ फ्यू डेज इन अ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन में आप उस बुक को लौटा दोगे आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड इट मीन्स जो बुक्स मेरे पास थी मैं उनमें से पढ़ चुका हूँ इट मीन्स मान लो आपके पास टोटल टेन बुक्स हैं आपकी कबड़ में आपकी लाइब्रेरी में और आप अगर एक बुक्स भी वहाँ से पढ़ चुके हैं इट मीन्स आप द फ्यू का यूज़ करेंगे यहाँ पे सो so, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये प्लूरल के साथ यूज़ होगा ये देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल है आई शैल रिटर्न योर बुक्स इन फ्यू डेज़ फ्यू डेज़ क्या है प्लूरल है बुक्स क्या है आपकी प्लूरल है तो प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ इसको हम यूज़ करेंगे फ्यू अगर हमें नेगेटिविटी शो करनी है अ फ्यू अगर पॉजिटिविटी शो करनी है और द फ्यू में तो है ही पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा उस चीज़ की मात्रा नहीं होगी बट ऑल ऑफ दैम वहाँ पर आपको अवेलेबल होगी और नेक्स्ट क्वांटिफायर इज लेटर अभी हमने देखा फ्यू को फ्यू में क्या है फ्यू को हमने किसके साथ यूज़ किया काउंटेबल के साथ अब लिटल को हम किसके साथ यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अब अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं उनके साथ हम लिटल को यूज़ करेंगे अब लिटल के तीनों पार्ट्स हम यूज़ करते हैं वैसे ही जैसे हमने फ्यू एफ यू और द फ्यू को डिस्कस किया सेम थिंग है कोई डिफरेंस नहीं है यूज़ में सिर्फ जो डिफरेंस है वो होगा जहाँ जो वहाँ पर जो नाउन होगी वो काउंटेबल होगी और लिटल के साथ जो नाउन होगी वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सेम लिटल में मीन्स नॉट मच जो थिंग है वो मोस्टली ना के बराबर है ए लिटल मीन्स सम है और द लिटल मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो मटेरियल है जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो मोस्टली ऑल ऑफ देम है देर इज़ लिटल मिल्क इन हाउस लिटल मिल्क का मतलब है कि हमारे घर में जो मिल्क है वो मोस्टली ख़त्म हो चुका है मीन्स ना के बराबर ही दूध है, है ही नहीं अगर आपके घर में चार लीटर दूध आता है और अगर आपके घर में उसमें से एक कप दूध है तो वहाँ पे वो क्या है वो लिटल मिल्क है इट मन्स ना के बराबर है लिटल मिल्क है अब लेकिन लिटल मिल्क के बात हो रही है इट मीन्स ये नहीं है, है कि भई हम उसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इस तरह से करेंगे नहीं लिटिल क्वांटिटी मींस लिटिल है ये है कि हमें ये पता है कि ये मटेरियल हमारे घर में है बट उसकी क्वांटिटी किसी भी एंगल से एनफ नहीं है लिटिल ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग ए लिटल नॉलेज कम जो नॉलेज है किसी भी चीज़ की वो बहुत ही डेंजरस है ख़तरनाक है मीन्स कुछ नॉलेज अब मान लो कोई चीज़ आपको कोई भी आपका लेसन है आपको हंड्रेड परसेंट में से अगर ट्वेंटी परसेंट आता है ट्वेंटी फाइव परसेंट भी आता है और आप उसको डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो क्या होगा आप उसके रॉन्ग आंसर्स देंगे क्यों क्योंकि आपको उसके ऊपर नॉलेज ही इतनी परसेंटेज कम है तो वो परसेंटेज क्या होगी अ लिटल नॉलेज आई स्पेंट द लिटल मनी आई हैड आई स्पेंट द लिटल मनी द लिटल मनी मीस मेरे पास जितने पैसे थे उसमें से मैंने लिटल मनी को द लिटल मनी को स्पेंड किया है यहाँ पे है द लिटल मनी द लिटल मनी है इट मीन्स मान लो आपके पास हंड्रेड रुपीज़ हैं और आपने सेवेंटी फाइव रुपीज़ उसमें से क्या है स्पेंड कर दिए हैं अब इसके साथ साथ अगर देखो हमने यूज़ किया हमने पहले देखा फ्यू अब कई बार हमें फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर भी यूज़ में मिलती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं कंफ्यूज नहीं होना है फ्यू भी किसके लिए है फ्यू हमारा काउंटेबल के लिए है तो फ्यूअर भी किसके लिए है काउंटेबल के लिए है बट इसका यूज़ हम कंपैरेटिव डिग्री है ये तो फिर इसका यूज़ हम कंपेरिजन के लिए करते हैं अब ऐसे ही लिटल की जो कम्पेरेटिव है वो क्या हो जाती है लेस हो जाती है और इसको भी हम कंपेरेटिव के लिए यूज करते हैं टू एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे लेस का लिटल से लेस इसकी कंपेरेटिव है और फ्यू few से फ्यूअर की जो इससे पहले हमने फ्यू को डिस्कस किया था उसका कंपेरेटिव का एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा है लेस माई फ्रेंड अर्नस लेस मनी देन देखो अभी क्या है then के साथ कंपैरिजन जो है हमने किया था कंपैरेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री degree, जो डिग्रीज की थी हमने एडजेक्टिव की कि देन अगर हमारा है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव तो यहाँ पे ये हमने क्या यूज़ की तो यहाँ पे देखो आपको मान लो पीछे लिटिल आपको वर्ड दिया हुआ है लिटिल को आपको यूज़ करना है और आप ये कहोगे कि मैम यहाँ तो पीछे तो लिटिल दिया हुआ है और यहाँ हम लेस फील कर रहे हैं कैसे क्यों क्योंकि इट इज ए कंपेरिजन एंड इट इज द एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बिकॉज दिस सेंटेंस नीड्स कंपेरेटिव डिग्री तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे लेस यूज करेंगे कंपेरेटिव ऑफ लिटल नेक्स्ट वन जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो लिखा है फ्यूअर का अब फ्यू किसका जो है कंपेरेटिव डिग्री है फ्यूअर किसकी है फ्यू की कंपेरेटिव है देर आर फ्यूअर्स देन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क बहुत कम है देर आर फ्यूअर्स जितने बंदे हमें रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा कम है तो फ्यू से फ्यूअर्स बनाया है तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको क्योंकि ये क्या है देर आर फ्यूअर्स देन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क तो ये भी क्या है हमारी यूज ऑफ कंपेरेटिव है तो यहाँ पे हमने लिटल को डिस्कस किया है लिटल किसके लिए है अनकाउंटेबल के लिए और हमारा जो फ्यू था वो किसके लिए था हमारा काउंटेबल के लिए और नेक्स्ट क्वान्टिफायर इज साउ हेयर विथ सम एंड एनी मोस्टली वी यूज़ फॉर द सेम पर्पज़ बट सेंस इज़ डिफरेंट इफ हर सेंस इज़ पॉजिटिव वी विल यूज़ सम एंड इफ हर सेंस इज नेगेटिव इट मीन्स वी विल यूज़ ए एनी सम है इट मीन्स हमें किसी चीज़ की पॉजिटिविटी को दर्शाना है हमें कहना है कि भाई यस yes में आंसर जब हम देते हैं यस yes, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमारा यस yes है पॉजिटिविटी है और नो no है तो हमारा एनी है इट मीन्स देर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास मीन्स क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सेंटेंस में कुछ भी नेगेटिव नहीं है कि हम कुछ मना कर रहे हो या किसी तरह हमारा इंटेंशन ही कुछ नेगेटिव शो कर रहा हो तो ये कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा हमें सेंटेंस के अंदर तो हम सम का यूजे करेंगे और सम भी हमारा एक क्वांटिफायर है और एक डिटरमिनर का काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन के साथ है जो भी एक वन थिंग को आप बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि जो भी क्वान्टि जो डिटरमिनर होगा वो हमेशा जो डिटरमिनर है वो प्लस नाउन होगा अब उसकी जो यहाँ के फॉर्म है वो एक अलग अलग हो सकती है लेकिन प्लस में जो है वो सभी के नाउन मिलेगा चाहे वो आर्टिकल हो चाहे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो चाहे वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो चाहे वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो बट प्लस में हमें क्या मिलेगा चाहे वो क्वेंटिफायर हो प्लस वी विल गेट ओनली एंड ओनली नाउन नाउन के साथ ही डिटर्मिनर्स होंगे अकेला कोई भी इनमें से जो वर्ड मिलेगा अगर वो डिटर्मिनर नहीं है बेटा ये चीज माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो नेक्स्ट वन इज देर वॉज देर wasn't any एनी स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट नहीं है इन द ग्राउंड अगर हमें यहाँ पे है देर वॉज नॉट और यहाँ आपको ब्लैंक खाली मिला और यहाँ भी आपको ब्लैंक खाली मिला चलो मैं मैंने पहले आंसर लिख दिया आगे से ध्यान रखूँगी मैं नहीं लिखूँगी देर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास अब मैं आपसे ये पूछू कि यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस है नहीं है तो आप जो ये जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ ये है मान लो आपका सम अब हम हमने देखा कि देयर वो वोजेंट तो ये वोजेंट नॉट तो नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है और ये हमारी नेगेटिविटी है तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे एनी स्टूडेंट अब नेक्स्ट वन जो है पेयर हमारा सम और एनी के बाद जो है हम डिस्कस कर रहे हैं मैनी और ए मच मैनी जो है वो हमेशा नंबर को डिनोट करता है संख्या को डिनोट करता है काउंटेबल को डिनोट करता है मैनी किसको डिनोट करता है हमेशा काउंटेबल को और मच जो है वो अनकाउंटेबल को डिनोट करता है क्वांटिटी क्वांटिटी को और नंबर को देर आर मैनी फ्लार्स इन द इन दिस गार्डन मैनी फ्लार्स नंबर ऑफ फ्लावर्स आई हैड टू पुट इन मच हार्ड वर्क जो हार्ड वर्क है ये देखो क्या हार्ड वर्क को हम काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इस तरह से जो मैनी और मच हैं वो भी हमारे क्या हैं डेटरमिनर्स हैं क्यों ये देखो फ्लार्स हमारी नाउन के साथ मैंने यूज हुआ है और ये भी हमारी नाउन के साथ भाई कितना वर्क मछाड़े वर्क ये भी हमारा नाउन के साथ यूज़ हुआ है इट मीन्स जो भी वर्ड्स जो हमारी नाउन को एक्सप्लेन करें नाउन के साथ लगें नाउन की पोजिशन बताएं नाउन के बारे में बताएं वो हमारे सभी डिटरमिनर्स हैं और इसके इनके अलावा और भी कुछ डिटरमिनर्स हैं जो हम मोस्टली मिलते हैं हमें ओल है ओल स्टूडेंट्स बोथ है बोथ बोथ स्टूडेंट्स अन अदर अदर इनफ मोस्ट और सेवरल भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें एज ए डिटर्मिनर यूज के अंदर मिलते हैं नाउ वी विल टेक सम सेंटेंसेस फॉर एक्सरसाइज आई टेक हेयर एक्सरसाइज इन पैराग्राफ सम स्टूडेंट्स इन सिक्स सेवेंथ एट्स दे गोट सेंटेंसेस एंड इन नाइन टेंथ दे गोट इन पैराग्राफ सो लेट्स डिस्कस विद मी अब यहाँ पर आपको फिल करना है कि कहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है कहाँ पर आपको कुछ भी आप फिल कर मीन्स आपको यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर डटरमिनर्स फिल करने हैं डटर्मिनर्स में हमने जितने भी डिस्कस किए हैं उनमें से आप कुछ भी आ सकता है लेकिन वो आपके सेन्टेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए अब देखिए ब्लैंक स्टूडेंट्स ऑफ एस डी मॉडर्न हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ एस डी मॉडर्न हाई स्कूल अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं अब पर्टिकुलराइज कर दिया है हमने किसको उसी स्कूल के बच्चे किसी और स्कूल के बच्चे नहीं और जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं तो हमने ध्यान कीजिए आप आर्टिकल्स के अंदर डेफिनेट आर्टिकल द को हमने कहाँ पे यूज़ किया था किसी भी थिंग या पर्सन को पर्टिकुलराइज करने के लिए तो द स्टूडेंट्स ऑफ एस टी मॉडर्न हाई स्कूल ऑर्गेनाइज वन डे सेमिनार अ वन डे सेमिनार एक दिन का अब जो स्टार्टिंग में मैंने यूजेज में मैंने कहा था कि नंबर को शो करने के लिए भी ये यूज होते हैं आर्टिकल्स ऑन द रोल ऑफ अब यहाँ है हमारा एम अगर इसको हम एम पीज़ हैं इट मीन प्लूरल है रोल ऑफ द एम पीज इन पार्लियामेंट अब वन मोर थिंग मैं आपको डिस्कस वो करूँ ही इज ब्लैंक एम पी तो यहाँ पे हम किस आर्टिकल को फिल करेंगे यहाँ तो हमने कि एम का रोल जो है वन डे सेमिनार के अंदर डिस्कस वो कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ हमने इनको पर्टिकुलराइज मीन्स यहाँ पे ये यह सिंगुलर नहीं है तो ए और एन का मतलब ही नहीं है तो अगर मैं अकेला एम पी लिखूँ तो यहाँ पे ये यह देखो आप एम मैंने स्टार्टिंग में लिखा है तो आप क्या फिल करेंगे यहाँ पे ए या एन आपको साउंड को रिकॉग्नाइज करना है मैंने कहा था कि अगर कॉन्सोनेंट है तो आप ए फिल करेंगे अगर वोवल है तो आप एन फिल करेंगे तो अब यहाँ पे आपका जो वर्ड है आगे वो क्या है एम है एम को कैसे आपने क्या बोला अ पहले साउंड क्या आई आपकी अ साउंड आई मैं साउंड तो पहले नहीं आई ना हमने मैं तो पहले नहीं बोला अगर मैं बोलेंगे हम तो क्या हम एम पी बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे ना तो ए साउंड अगर अगर हमारी है और ए साउंड आप मुझे बताएं कि कौन सी साउंड है मेरे मेरे हिसाब से ये वोवल साउंड है आप को भी पता है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे एन एम पी समझ आ रहा है नेक्स्ट पे आ जाइए वन मोर पैराग्राफ है हमारे पास इस तरह से ही आपको पैराग्राफ्स एग्जाम के अंदर मिलेंगे जहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और आपको जो नाइन्थ टेंथ में तो स्पेशली क्या है इंटीग्रेटेड ग्रामर मिलेगी उसमें आपसे टेंस भी फिल करवाएंगे डिटरमिनर्स भी फिल करवाएंगे और वहीं आपको कोई नरेशन एक्टिव पैसिव की भी मिस्टेक मिल सकती है तो ऑल ओवर हमें सबसे पहले क्या करना है सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है सारी वीडियोज़ के थ्रू हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है जब तक हमारे ये जो पीरियड है ये चल रहा है इसमें फिर हमें इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज के ऊपर आना है एक्सरसाइज जो है जो दी हुई है हमारी बुक में बहुत सारी अब अब यहां आ जाइए बाय ब्लैंक टाइम द सन वॉज अबाउट टू सेट बाय बाय द टाइम द सन नहीं सेट हो रहा बाय दिस टाइम तो दिस मैंने क्या फील किया क्या था हमारा ये अभी हमने डिस्कस किया डेमोन्स्ट्रेटिव जेक्टिव जो एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है बाय दिस टाइम द सन वॉज अबाउट टू सेट नेक्स्ट क्या है एन ऑल ऑफ ऑल ऑफ एडन ऑल ऑफ ए सडन अब स्काई है ऑल ऑफ ए सडन द स्काई बिकम्स एज डार्क एज इफ इट हैज बीन कवर्ड विद विद एक थिक क्लाउड से तो वो कवर हो नहीं सकती है थिक क्लाउड आई वॉज ब्लैंक एस्टोनिस्ड एट दिस सडन डार्कनेस ये फिल इन द ब्लैंक मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ आपको यहां पे फिल करना है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और जब आप आंसर दें तो अपना नाम साथ में मेंशन करें जिससे मुझे पता लगे कि आपने कितने बच्चों ने एक्सरसाइज की है और ध्यान से पूरी वीडियो को कंप्लीट देखा है जिसका कमेंट मेरे पास विद नेम नहीं आता है इट मींस मुझे पता लग जाएगा कि आपने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया है और आपको फिल करना है आई वॉज ब्लैंक एस्टोनिस्ट आप कैसे एस्टोनिस्ट थे अब एस्टोनिस्ट है क्या है काउंटेबल तो है नहीं अब है अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी क्या फिल करना है हमें क्वांटिफायर फिल करना है अब क्वांटिफायर फिल करना है इतना भी बता दिया मैंने और अनकाउंटेबल फिल करना है वो भी मैंने बता दिया तो आपको मुझे इसका आंसर बताना है सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरी थिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू शेयर Subscribe and like my channel. Thank you.